कॉमेडियन और एक्ट्रेस भारती सिंह को लेकर आई सबसे बड़ी बुरी खबर सामने। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों टीवी स्टार्स पर मंडरा रहा है मुश्किलों का दौर, जब से सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी सच्चाई सामने आई है। ड्रग एंगल को लेकर सच सामने आया तो उसमें कई सारे सेलिब्रिटीज का नाम भी सामने आया, और अब नाम सामने आया कॉमेडियन भारती सिंह का, जिसका नाम जानने के बाद सभी के उड़ गए होश। और ऐसे में अब खबर आ रही है भारती सिंह को लेकर, जहां पर भारती सिंह के फैंस के लिए बुरी खबर। बता दें कि 18 घंटे तक लगातार, कल से आज सुबह तक लगातार भारती सिंह से हुई पूछताछ, जहां पर एनसीबी ने लगातार भारती सिंह से पूछताछ की, उन्हें सोने नहीं दिया, लगातार उनसे उनके घर पर बरामद हुए नशीले पदार्थ को लेकर सवाल किए गए, जहाँ पर हर्ष श्रीमाची और भारती सिंह ने सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन इस बीच आई है बुरी खबर। कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान भारती सिंह की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। बता दें आपको, भारती सिंह अस्थमा की पेशेंट है, और इसी वजह से जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो वो काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी, डर गई थी, और इस वजह से उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से एनसीबी ने उन्हें थोड़े वक्त का रेस्ट दिया। उनका इलाज हुआ, उनका ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर्स बुलाए गए, उनका टेस्ट किया गया, और उसके बाद भारती सिंह की हालत में कुछ सुधार हुआ। बता दें कि आज भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को एनसीबी की टीम कोर्ट के सामने पेश भी करेगी। तो ये है पूरी सच्चाई, जहाँ पर भारती सिंह को अस्थमा का अटैक आया, लेकिन उस अस्थमा के अटैक आने के बाद भारती की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।